हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आप सभी का एक और फ्रेश वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ साउथ की रोमांटिक लव स्टोरी मूवीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी सी अलग है क्योंकि हम आज नॉर्मल वाली लव स्टोरी मूवीज़ के बारे में बात नहीं करने वाले। आज हम बात करेंगे उन लव स्टोरी मूवीज़ के बारे में जो यार काफ़ी ज़्यादा ही कमाल की हैं। जी हाँ दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और आपको आंखों से आंसू भी निकाल सकती हैं। काफ़ी बढ़िया दर्द भरी कहानी आपको काफ़ी बढ़िया लव स्टोरी मूवीज़ देखने को मिलने वाली है। तो यार इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आपको लव स्टोरी मूवीज देखना पसंद है। तो यार चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, लव एक्शन धमाका। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2014 में। फिल्म के रीडोल में आप सभी को पूजा हेगड़े, नागा चैतन्या, संजय शिंदे और ब्रह्मानंदम देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए फिल्म के बारे में तो यार ये काफी कमाल की रोमांटिक लव स्टोरी फिल्म है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आप सभी को काफी मस्त लव स्टोरी देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ इस फिल्म में आप सभी को एक्शन भी काफी कमाल का देखने को मिल जाता है। इस फिल्म का यार रोमांस और लव स्टोरी काफी कमाल के होते हैं, आपको दिल को छू लेंगे। इस फिल्म को यार काफी खास बनाती है पूजा हेगड़े। जी हाँ दोस्तों, काफी कमाल की ये फिल्म है। अगर आपने अभी तक इस फिल्म को नहीं देखा है, इस रोमांटिक लव स्टोरी मूवीज को मिस कर रखा है, तो आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म को IMDb पर भी 10 में से 6.1 की रेटिंग मिली हुई है और ये फिल्म आप सभी को यूट्यूब पर भी हिंदी में मिल जाएगी। नंबर 4, पेपर बॉय। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2018 में। फिल्म के रीडोल में आप सभी को रिया सुमन, संतोष शोभन, विद्यालेखा और भी कई सारे एक्टर देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए फिल्म के बारे में तो यार ये एक कमाल की लव स्टोरी मूवी है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आप सभी को सिर्फ और सिर्फ रोमांस रोमांस ही देखने को मिलने वाला है। इस फिल्म में आप सभी को एक्शन वैक्शन कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म यार सभी फिल्मों से यार काफी ज्यादा हटके है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में आप सभी को एक लव स्टोरी कमाल की देखने को मिलेगी, एक पेपर बॉय और एक काफी अमीर घर की लड़की की। तो फिल्म यार काफी कमाल की फिल्म, जैसे जैसे आगे बढ़ती है आपको काफी मजा आने लगता है और ये फिल्म का जब एंड होता है ना तो आपका दिल धक 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 करने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, काफी कमाल की फिल्म है। आप सभी को काफी इमोशनल सीन भी इस फिल्म में आप सभी को देखने को मिलने वाले हैं, जिससे आप सभी की आंखों में आंसू भी आ सकते हैं। तो फिल्म काफी बढ़िया, अगर आपने मिस कर रखी है तो आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 3, रंगन स्टाइल। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2016 में। फिल्म के रीडोल में आप सभी को कनिका तिवारी, दीपिका दास और प्रदीप देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए फिल्म के बारे में तो यार इस फिल्म में आप सभी को थोड़ा सा एक्शन और रोमांस भर भर के देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म की जो एंडिंग होती है ना, वहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं और आपके आंखों से आंसू भी निकल सकते हैं। ये फिल्म यार कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी बयां करती है और ये काफ़ी कमाल की एक लव स्टोरी फिल्म है। अगर आपने इस फिल्म को मिस कर रखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म को यार सभी ने काफ़ी ज़्यादा ही पसंद किया है और IMDb पर भी इस फिल्म को 10 में से 7.2 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि एक काफ़ी कमाल की रेटिंग है। तो अगर आपने मिस कर रखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 2, आर्या की प्रेम प्रतिज्ञा। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2004 में। फिल्म के रीडोल में आप सभी को अनु मेहता, अल्लू अर्जुन, शिवा बालाजी और शुभा राजू देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए फिल्म के बारे में तो यार इस फिल्म को आप में से ज्यादातर लोगों ने तो इस फिल्म को शायद देख ही रखा होगा, बट मैंने इस लिस्ट में इस फिल्म को इसलिए डाला है क्योंकि यार अभी जो नए नए अल्लू अर्जुन के फैन बने हैं, शायद उन लोगों ने इस फिल्म को मिस कर रखा होगा। काफी कमाल की फिल्म है, तो यार मुझे लगा कि यार उन लोगों को तो यार पता ही लगना चाहिए और उनको देखना भी चाहिए। तो यार ये फिल्म में आप सभी को एक्शन और रोमांस काफी कमाल का देखने को मिलने वाला है। ये अल्लू अर्जुन की काफी मस्त रोमांटिक मूवी रही थी, जिससे हिंदी ऑडियंस की नजर में अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग यार काफी ज्यादा बढ़ गई थी। तो अगर आपने इस मास्टरपीस लव स्टोरी मूवी को मिस कर रखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म यार आप सभी को दिल को छू लेगी, यार काफी ज्यादा ही कमाल की है। इस फिल्म को IMDb पर 10 में से 7.8 की रेटिंग मिली हुई है, जो कि एक काफी कमाल की रेटिंग है। तो फिल्म को देखना मत भूलिएगा। नंबर 1, 96। ये फिल्म रिलीज हुई थी 2018 में। फिल्म के रीडोल में आप सभी को विजय सेतुपति, त्रिषा कृष्णन और गौरी की कृष्णा और भी कई सारे एक्टर देखने को मिल जाएंगे। बात की जाए फिल्म के बारे में तो यार इस फिल्म की तो मैं भाई जितनी तारीफ करता रहूंगा तो यार मुझे कम ही लगेगी। जी हाँ दोस्तों, यार इस फिल्म को यार मैंने ऐसी फिल्म अपनी लाइफ में पूरी कभी नहीं देखी। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म में जो एक रोमांस दिखाया गया ना, ऐसा रोमांस यार मैंने कभी किसी फिल्म में नहीं देखा है। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा लगता है कि भाई कुछ सच्चा ही देखी है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म यार बाकी किसी फिल्म की तरह नहीं है, जिसमें नॉर्मली यार लव स्टोरी बिछड़ जाती है, उसके बाद फिर मूवी के एंड में मिल जाती है, बट ऐसा इस फिल्म में बिल्कुल भी नहीं है। इस फिल्म का यार कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही अलग है, इसलिए यार ये फिल्म सभी को यार काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आई थी। और इस फिल्म में जो एक कमाल का रोमांस दिखाया गया था ना, वो भी काफ़ी सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। तो यार अगर आपने इस फिल्म को मिस कर रखा है ना, तो आपको जरूर देखना चाहिए। मैंने ये शुरू में जब ये फिल्म हिंदी में आई तो मैंने इसलिए मिस कर
कर दी थी, क्योंकि यार इस फिल्म में विजय सेतुपति थे और विजय सेतुपति की कई सारी फिल्में आई थी वो मुझे इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं लगी थी, तो मैंने इस फिल्म को मिस कर दी। उसके बाद जब मैंने इस फिल्म को देखा ना, तो यार मैं इस फिल्म की तारीफ करते ही रह गया। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म को यार सभी ने काफ़ी ज़्यादा ही पसंद किया। इस फिल्म को 10 में से 8.6 की रेटिंग मिली हुई है IMDb पर, जो कि एक ब्लॉकबस्टर रेटिंग है। तो यार अगर आपने इस फिल्म को मिस कर रखा है तो आपको जरूर देखना चाहिए। इस जैसा रोमांस आपने किसी और मूवी में नहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी कमाल की फिल्म है, देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी साउथ की वो बेहतरीन लव स्टोरी मूवीज़ जो आपको दिल को छू लेने वाली हैं और काफ़ी पसंद आने वाली हैं। तो किसी भी फिल्म को मिस मत करना, आपको फटाफट देख लेना चाहिए। सभी फिल्मों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, इस लिस्ट की सभी फिल्में पसंद आती हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करके नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताना। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आती है ज़्यादा ही, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेकर वाला हूं, उसमें भी मैं आप सभी को काफी कमाल की मूवीज के बारे में बताऊंगा। तो मिलता हूं आप सभी से एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।